नमस्कार। आज के माहौल में जिसको देखो वो यही कहता रहता है, अरे यार मेरे पास समय नहीं है, अरे यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और जब पूरा दिन गुजर जाता है तब क्या कहता है, अरे यार आज कुछ भी काम नहीं हुआ यार, सब इधर उधर का टाइम वेस्ट हो गया है और अब क्या करें। जब आप कहते हो आपके पास समय नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है एक सफल व्यक्ति, एक सफल बिजनेसमैन के पास में भी वही 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति उस 24 घंटे में वो सारे कार्य कर लेता है जो उसे करने चाहिए, और आप उस 24 घंटे में वो सारे कार्य नहीं करते हैं जो आपको कर लेने चाहिए। आप तो हर वक्त ये कहते रहते हो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सफल व्यक्ति कभी यह नहीं कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन अपना मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है, वो अपने कार्यों को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बांटता है, इसीलिए वो सफल होते हैं। तो आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हर दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट के साथ करें। रोज शाम को एक लिस्ट बनाएं कि सुबह आपको क्या क्या कार्य करने हैं और किस वक्त क्या कार्य करने हैं, तभी आप अपना दिन भर का शेड्यूल सही तरह से तय कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं है, सुबह उठोगे अरे यार अब आज क्या कार्य करना है, अरे यार आज वहां जाना है वहां जाना है, आधा टाइम तो आपके वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे निकल गया। इसीलिए सबसे पहले शाम को एक लिस्ट बनाए कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, और जैसे जैसे वो कार्य दिन भर होते जाए आप टिक करते जाए कि ये काम हो गया, ये काम हो गया और ये काम पेंडिंग है, तभी आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। सेकंड, जरूरत के हिसाब से काम को बांटिए। आप ये इस तरीके से काम तय करिए कि पहले कौन सा इंपॉर्टेंट कार्य है, जो कार्य महत्वपूर्ण है उसे पहले करिए। इस तरीके से अपने काम को डिवाइड करिए कि जो जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको पहले रखिए और जो काम के कार्य नहीं है उसको बाद में रखिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंपॉर्टेंट कार्य छूट गया दिन भर में और आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया है। थर्ड, हर दिन का कुछ खास समय आपके लिए जरूर निकाले। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपने लिए जीना भूल चुका है। आप दिन भर में कुछ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, अपनी हॉबी को देखिए। अपने लिए कुछ न कुछ समय निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सकारात्मकता की सोच बढ़ती है, इससे आपका मन शांत होता है, इसके आपका मन एक रिलैक्स होता है और कुछ वापस नया कार्य करने के लिए एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश आपके अंदर आता है, अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हो तो। वरना इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय किधर जा रहा है और आप दिन भर टेंशन में रहोगे और शाम को सो जाओगे और सुबह वापस वही भाग दौड़ हो जाएगी। फोर्थ, ईमेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक समय तय कीजिए। आजकल जिसे देखो जिसे बस मोबाइल पे स्क्रॉल करता रहता है, फेसबुक देखता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, ईमेल्स देखता रहता है और व्हाट्सएप देखता रहता है, और जब आप 5 मिनट 2 मिनट के लिए ये सब चलाते हो ना, तो आपका 1 घंटा कहीं निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। लोग तो सुबह सुबह उठते हैं, उस वक्त उठते ही वक्त मोबाइल देखने लग जाते हैं, फेसबुक देखने लग जाता है, यूट्यूब देखने लग जाते हैं। व्हाट इज दिस? इसके लिए एक क्राइटेरिया, एक समय तय कीजिए कि मेरे को सिर्फ इतना टाइम ही स्पेंड करना है इसके ऊपर, तभी आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। वरना आपका समय, आप देखोगे यार मैं 5 मिनट फेसबुक देख लेता हूं, आपका 1 घंटा कहीं निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। संभव हो तो व्यावसायिक और निजी फोन नंबर अलग रखें। अगर आपके पॉसिबल हो ना तो 2 फोन नंबर रखें, व्यावसायिक नंबर अलग रखें और निजी अलग रखें। आप जब वर्किंग टाइम में हो तो वो व्यावसायिक नंबर ही यूज करें, जब घर पे आ जाए तो वो व्यावसायिक नंबर यूज ना करें। अगर आप निजी और व्यावसायिक नंबर दोनों एक रखोगे ना, तो आप घर पे आ जाओगे तभी आपके पास व्यावसायिक कॉल आते रहेंगे और आप अपनी फैमिली को और आप अपने स्वयं को टाइम नहीं दे पाओगे। इसीलिए एक क्राइटेरिया फिक्स रखिए कि इतने टाइम, इतना ही वक्त मेरे को बिजनेस में देना है, तो इतना टाइम मेरे को फैमिली में देना है, अपने लिए देना है, वो आप बिल्कुल शेड्यूल तय करिए, तभी आप टाइम मैनेजमेंट अपना सही तरीके से कर पाओगे आप। सिक्स, छोटी छोटी बातों पर शिकायत ना करें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर अपने फैमिली में, अपने बिजनेस में शिकायत करेंगे ना, तो आपको लोगों को मनाने में आपका दिन निकल जाएगा।
कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी और आपको आगे बढ़ना होगा। अगर हर छोटी बात में आप शिकायत करोगे तो जैसे फैमिली में आपने शिकायत कर दी, कोई आपसे रूठ गया, तो उसको मनाने में आपके 1 या 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। आपके बिजनेस में अगर आप छोटी छोटी बातों में शिकायत करोगे तो आपके सबोर्डिनेट अगर काम नहीं करेंगे, आपसे गुस्सा हो जाएंगे, तो उनको बनाने में आपका दिन ऐसे निकल जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों पे कभी शिकायत ना करें, इन बातों से अपना टाइम मैनेजमेंट करें, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। अगर ये बातें आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।